We'll just hang out a little bit. Chal bro. Chal. Aap hi darate hain. Chal main nikalta hu. Aur aaj fir se aapne. Idhar. Kya hua? Time kya hua hai? Excuse me. Teri ghadi mein time kya hua hai? 6:30. इसकी घड़ी तो चल रही है यार, मुझे लगा घड़ी खराब हो गई। समझा नहीं, मैथ्स कमजोर है। नहीं तो तू सुट्टा ब्रेक पे गया था ना अभी? हाँ गया था। तो तभी टाइम शीट देख लेगा अभी, हर रोज ऑफिस से लास्ट मैं ही जाता हूँ। आई डोंट केयर, तू फर्स्ट आता है या लास्ट जाता है, आई डोंट केयर। ठीक है, पॉइंट पे आ, काम है बहुत। Point ye hai, my dear colleague, if someone comes to work at 9 a.m. and finishes their work for the day and wants to leave at 6 p.m., then that's 9 hours of me slogging my ass here. 9 hours out of the 24 hours of my day that I have given to this company. 9 precious hours of my life that I'll never get back. 9 hours of slogging is what I'm paid for. Nothing more, nothing less. A problem ye hai कि तुम जैसे लोग रात भर ऑफिस में पड़े रहते हो, ऐसे काम करते हुए दिखाई देते हो, जिससे कि एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि यार ये तो बड़ा हार्डवर्किंग एम्प्लॉई है, ये बड़ा सीरियस है, कमिटेड है, रात भर बैठ के काम करता है। कुछ लोग तो ऐसे ही फ्री एसी और वाईफाई के लिए पड़े रहते हैं। ये अपना सतीश, ये रात भर बैठ के फोन देखता है, यहाँ पे 9 बजे उसका काम खत्म हो जाता है लेकिन मेल डालेगा रात के 1:30 बजे ताकि बॉस को लगे ओके ये रात के 2 बजे तक बैठ के काम कर रहा था, बड़ा हार्डवर्किंग है, ये सब हार्डवर्किंग है, ये सब कमिटेड है। हम लोग जो सुबह से बैठकर फोकस के साथ बिना किसी इंटरप्शन के बिना किसी ब्रेक के काम करके शाम के 6 बजे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हमको क्या सुनने को मिलता है? हाफ डे, क्या बात है, हाफ डे जा रहे हो आज तो? क्या हाफ डे, कैसा हाफ डे? तुमसे कोई आके पूछता है कि ये जो 15 घंटे काम करके जा रहे हो उसमें तुमने कितने ब्रेक लिए? 30 सिगरेट ब्रेक्स, उसके बाद चाय ब्रेक, टॉयलेट ब्रेक, लंच ब्रेक, यस्टरडेज मैच एनालिसिस ब्रेक, हीटेड पॉलिटिकल डिबेट्स वाली ब्रेक, जूसी ऑफिस गॉसिप वाली ब्रेक, ये ब्रेक, लौड़ा लसुन ब्रेक, सारे ब्रेक मिला के 9 घंटों का काम तुम 12-15 घंटों का बना देते हो। व्हाट काइंड ऑफ एफिशिएंसी इज दैट? ऐसे इनएफिशिएंट लोगों के साथ हम क्या करते हैं? सर पे बिठा लेते हैं। अरे रे रे रे, 2 बजे तक काम करता है यार ये तो, प्रमोशन देते हैं इसको, ये तो 4 बजे तक काम करता है, इसको अगले साल ना लंदन भेजेंगे, ऑनसाइट भेजेंगे। व्हाई, व्हाई इज स्टेइंग लेट एट वर्क कंसिडर्ड अ वर्च्यू? व्हाई आर वी रिवॉर्डिंग एंड ग्लोरीफाइंग इट? और जो एफिशिएंट लोग हैं, जो टाइम पे काम करके खत्म करके निकलना चाह रहे हैं, व्हाट डू वी डू विद देम? वी पेनलाइज देम, वी जज देम, वी मेक देम फील गिल्टी फॉर देयर चॉइसेस टू लीव ऑन टाइम। व्हाई, हु इज टू ब्लेम फॉर दिस? यू, you and an office culture that has gone unchecked for decades now. Chutiya job. तू 18 घंटे काम करता है, तुझे लगता है तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या? हैं? ये कंपनी वालों ने तेरी यहां पे एक फोटो लगा दी, स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तू बहुत खुश हो गया ना तू अंदर से? यहां पे जिसका फोटो लगता है ना उसका सबसे बड़ा चूतिया कटा है, क्योंकि उसको यह तक नहीं पता कि इस क्यूबिकल के बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत जरूरी है मेरे लिए। When I leave this work and go out, there are n number of things that I want to do. I might have a wife, a family, a friend, whoever I want to meet. I might want to go to the pub with my friends and watch a game or play a game myself. Maybe I want to go for a run, read a book, whatever the fuck I want to do in my time, in me time. And I have every goddamn right to do that. तू मुझे बता, ये ऑफिस स्किल के अलावा और क्या आता है तुझे? क्या आता है? गिटार बजा लेता है? हाँ? कुकिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग, कभी कुछ किया है ऐसे? अपने बच्चे के साथ कभी वॉक पे गया है? आइसक्रीम खाया है उसके साथ? क्या आता है? ऑफिस में गांड चाटने के अलावा क्या आता है तुझे? कब करेगा ये? ये सब जरूरी नहीं है? अब तू बोलेगा यार ये सब तो मैं वीकेंड पे करूंगा। हाँ, किसने बोला ये? क्या जिंदगी सिर्फ संडे को जीने के लिए है? कौन सी कंपनी ने बोला ये कि मंडे टू सैटरडे मरते रहो और सिर्फ लाइफ जो है संडे को जियो? कहां लिखा है? कितने साल का है तू अभी? 30 का ना?
10 साल बाद 40 का हो जाएगा, उसके बाद 50 का, और फिर देखते देखते ना ईएमआई और बिल्स भरते भरते एक दिन तू मर जाएगा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मर रहा होगा तू बैठ के सोचेगा क्या किया यार मैंने, कीबोर्ड के साथ हिलाया और कुछ नहीं, मुझे नहीं मरना ऐसे। सो आई एम गोना गो राइट नाउ एंड एंजॉय द अदर हाफ डे ऑफ माई लाइफ। गुड लक विद योर फुल डे। चल रहा है कुकू कि तेरा भी फुल डे बाकी है अभी।